झारखंड के आदिवासियों में जनजातीय लोगों के लिए उनका कला ही जीवन है और यही कारण है कि यह प्रदेश कई कलाओं और संस्कृतियों का संगम भी है। कला और संस्कृति की ऐसी विराटता झारखंड को अन्य प्रदेशों से अलग करती है। चित्रकला की बात करें तो यहाँ 15 से भी ज्यादा ट्राइबल पेंटिंग्स फॉर्म है। उन्हीं में से एक है सोहराई कला, जिसे कोहबर कला या भित्ति चित्र के नाम से भी हम जानते हैं। हजारीबाग जिले के बादाम क्षेत्र में आज से कई सौ वर्ष पूर्व इस कला की शुरुआत हुई थी। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ये कला हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। सोहराई कला पूर्ण रूप से आदिवासियों की परंपरागत कला मानी जाती है। हजारीबाग क्षेत्र के कई पहाड़ियों पर आज भी इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। बादाम राजाओं ने इस कला को खासा प्रोत्साहित किया था। इन कलाओं को गुफाओं की दीवारों से निकालकर आम लोगों के घरों की दीवारों की शोभा बढ़ाने में वे सफल हुए। सोहराई कला जो है वह पूरी तरह से आदिवासियों की मौलिक कला है और इस सोहराई को जानने और समझने के दौरान हम लोग आ गए हैं अभी बड़का गांव में और मैं खड़ा हूँ किसको पहाड़ की गुफाओं में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे में कि इन गुफाओं की दीवारों पर कुछ भित्ति चित्र बनाए गए हैं और इन चित्रों में सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें रंग जो है वह प्राकृतिक रूप से जो मिट्टी उपलब्ध है उनसे बनाए जाते हैं। जैसे आप इनमें सफ़ेद देख सकते हैं, काला देख सकते हैं, लाल देख सकते हैं। एक मान्यता यह भी है कि इस क्षेत्र के राजा के खानदान में जब युवराज की शादी होती थी उसका कमरा सजाया जाता था तो उस कमरे में एक कोई यादगार के लिए चित्र बनाया जाता था और वह चित्र यहीं से प्रेरित होता था। इसमें कुछ लिपि भी है जिसको कि पढ़ने की समझने की ज़रूरत है और यहाँ के स्थानीय राजा का प्रयास रहा कि इन दीवारों पर जो चित्र हैं उनको घरों तक किस तरह से पहुँचाएं और राजा इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए। तो आपकी नज़र करता हूँ मैं ये पूरे भित्ति चित्र, आप इन्हें अपनी नज़रों से ज़रूर देखें, समझें और इसमें जो भावनाएं हैं उसको आत्मसात करने की कोशिश करें। इस कला का अपना एक सांस्कृतिक महत्व भी है। ये जीवन की उन्नति का प्रतीक मानी जाती हैं। दीपावली यानी सोहराई पर्व के अवसर पर या शादी के मौके पर इस कला को मिट्टी के दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से अंकित किया जाता है। सोहराई कला मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा की जाने वाली एक भित्ति चित्र कला है। चूंकि दीपावली की अगली सुबह गुहार पूजा की प्रथा है, इसे सोहराई पर्व के नाम से भी हम जानते हैं, इसलिए इसे सोहराई कला का नाम दिया गया। इस कला में जल, जंगल और जीवन का तालमेल नजर आता है। इस कला का लोग वंश वृद्धि के रूप में भी चित्रण करते हैं। सदियों से झारखंडी संस्कृति में सोहराई कला का एक अलग ही महत्व रहा है, मगर समय के साथ साथ बदलते परिवेश और आधुनिकता की चकाचौंध में ये कला सिमटती चली गई। मगर कुछ एक दशकों से कुछ संस्थाओं के माध्यम से इस कला को बचाने का निरंतर प्रयास भी किया जा रहा है। पिछले 4-5 साल से तो मैं मतलब इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से कार्य कर रही हूँ और इस ओरिया गांव में तो लगभग 3-4 साल हो गए मेरे आते हुए। अच्छा अलका जी, एक चीज ये बताइएगा कि जो सोहराई पेंटिंग है वो कुछ पॉकेट्स में ही है और अभी अब वो फिर से रिवाइव हो रहा है, तो उसका क्या कुछ आउटकम्स आ रहा है अभी? आउटकम्स देखिए, ऐसे तो आउटकम्स के बारे में अगर बात करें तो आर्टिस्ट लोग को तो डायरेक्टली अभी वैसा कुछ भी इस कार्य से कुछ लाभ तो हो नहीं पा रहा है, बट सोशल क्षेत्र में अगर देखें तो इनका सोशल स्टेटस तो अवश्य बढ़ रहा है और पूरे विश्व में लोग अब इन लोगों को पहचान इनका बन रहा है, इनके लिए एक सम्मान की बात है। पहले अगर ये अपने दीवारों पे करती थी तो कोई नहीं जानता था, बल्कि किसी को पता भी नहीं था कि इस गांव में इतना सुंदर कार्य होता है। बट हम लोगों के आने से, जब हम लोग पहली बार इस गांव में आए तो 4-5 घर ही रंगा हुआ था, तो फिर हम लोग को इन लोगों से जब हम लोग बात किए कलाकार लोग से, महिला कलाकार लोग से, तो ये लोग बोले कि अगर आप लोग हम लोगों को कुछ लाल कलर जो होता है मिट्टी, जिसको हम लोग रेड ऑक्साइड बोलते हैं, अगर वो अगर आप लोग हम लोग को उपलब्ध कराएंगे तो हम लोग बाकी लोग भी अपने अपने दीवारों पे बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग 4-5 साल से इस गांव में आ रहे हैं, लगभग 3-4 साल से लाल मिट्टी जो होता है वो हम लोग देते हैं, तो उसी से प्रेरित होकर फिर कलाकार लोग, महिला कलाकार लोग ने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया, योगदान दिया अपना,
और उसी का नतीजा है कि आज लगभग 30 से 35 40 घर तक अंदर बाहर पूरा रंगा हुआ है। अरे इसमें प्रयोग होने वाले जो रंग है वो कैसे इनको उपलब्ध हो पाते हैं, क्या आसपास ही है या इनको फिर कहीं से प्रोवाइड कराना पड़ता है, और किस तरह के होते हैं ये? जी एक्चुअली प्राकृतिक रंगों का ही खर्च होता है इस कार्य में, और हम लोगों का पूरा पहले प्रयास है कि इसको इसी तरह नेचुरल वे में ही रखा जाए, विशेषकर गाँव में, क्योंकि हमारे शहरों में, हजारीबाग के शहरों में या रांची में या हमारे झारखंड के किसी और जिले में अगर दीवारों पे जो चित्र अंकन हो रहा है तो वो ओरिजिनल काम नहीं है, वो फाइन आर्टिस्ट लोग हमारे कामों को, हमारे कलाकारी को काम को नकल करके उसको केमिकल रंग के साथ बना रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। असली काम सही जो है वो गांव में ही है, तो प्राकृतिक रंग का ही ये लोग खर्च करते हैं। तो गांव के आसपास में खेतों में काली मिट्टी मिल जाती है तो जिनको ये लोग प्रयोग करते हैं, और दूधी मिट्टी भी लगभग मिल ही जाती है या आसपास ये लोग जाके ले आते हैं। एक रंग होता है जो लाल रंग, तो उसका थोड़ा अभाव रहता है, तो ये लोग हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। भिलवाड़ा की पार्वती देवी बताती है कि वो इस काम को 40 सालों से कर रही हैं। इस कला को उन्होंने अपनी माँ से सीखा और संस्थाओं के सहयोग से आज इस कला का एवं इनके कलाकारों को एक पहचान और सम्मान भी मिलने लगा है। पहले हम फोन से बतिया ले थी कि आज हम फन्ने तारीख के फन्ने दिन हम जाए लगा जी, तो घर पर रहना तब तो या कहूँ नहीं जाइए घर रही। पेंटिंग के बारे में कुछ बात होता तो वो लोग आवो थी ना, पहले फोन करके आवो थी तब घर रोइए, तब से ऐसा पूछो थी कि कैसे कैसे बनवाएं, कैसे कैसे रंग डालें, कैसे कैसे गोंद डालें, कैसे पेपर तैयार करें, सब बोल दे कि ऐसे ऐसे पेपर तैयार करो, ये गोंद डालो, ये तब फिर गोंदवा डाल के सफा माटी से पचरा मार लेगी पेपरवा के सुखाए के, तो फिर काला माटी से उतारे तो लाल माटी भरोइए, सफा माटी भरोइए। आपके पास देश विदेश से लोग आते हैं? बहुत आवे थे। आप कहाँ कहाँ गए हैं? हमें चल कला को दिखाने के लिए। दिखाने के लिए 3 मार्च हो गल दिल्ली, 2 मार्च हो गल को बम्बई, फिर धनबाद, फिर गिरिडीह, उन्हें हो गला तब फिर आ गलियो सतले चल गलियो अति देवघर, तब फिर चल गलियो पटना, फिर चल गलियो भोपाल, फिर भोपाल से अलियो तब फिर चल गलियो रांचिए बहू बाजार ने कलियो, वहाँ से चल गलियो फिर अथी दुमका। सोराई कला को सीखने या सिखाने के लिए कोई स्कूल या प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं है, बल्कि ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आने वाली पीढ़ियों को ये कला विरासत के रूप में मिलती रही है। इसमें कोई अपनी माँ से सीखता रहा तो कोई अपनी सास से सीखकर इस कला को जीवित रखे हुए है। ये हमारे झारखंड की अपनी कला सोहराई कला है चित्रकारी की, जो कि खासकर अगर आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ पे स्थानीय स्तर पे जो प्राकृतिक रंग उपलब्ध हैं उनके माध्यम से यह कला जो है धीरे धीरे लुप्त प्राय हो रही है, या कहें कि अब फिर से इसको खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और उस कोशिश में कई कंधे जो हैं वो शामिल हुए हैं, कई लोगों के हाथ जो है इसमें लगा हुआ है। हमारे साथ में कुछ महिलाएँ हैं जो कि इस कला को आगे बढ़ा रही हैं। इनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस सोहराई कला को लेके इनके मन में क्या चल रहा, चूँकि यह इनकी अपनी कला है, कैसे इसको वो बढ़ा रही हैं, अगली पीढ़ी तक जो है पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा दीदी ये बताइए कि इसको करते हुए कितना साल हो गया आपको और कैसे शुरुआत हुआ? ये सब करते हमने के 40 साल हो गए, बेसी 40 से। अच्छा बचपन से कर रहे। किससे सीखी ये? मम्मी से। तो इसमें सबसे खास क्या है जो आपको आपकी माँ बताएं, 40 साल पहले जो आप शुरू किए तो माँ कुछ खास बात बताई होंगी जो कि अब जाके थोड़ा कुछ बदला भी होगा? ये सब तखन नहीं चल रहे, सोहराय के पेंटिंग में यही सब दिन चल रहे, सब दिनों अपन सौ के लिए दीवार में लिख दिया है, थोड़ा झटा निपा हुआ है ना, अगर अब सौ के लिए लिख दिया है। अच्छा तो इसमें जो बनाती हैं आप लोग, जो भी इसमें आकृति बनाती है, जो भी डिजाइन बनाती हैं, तो कहाँ से वो डिजाइन आता, कहाँ से है आपके दिमाग में कि हमको बनाना क्या है, क्या बनाती क्या है इसमें? वो तो कहीं नहीं आता है, अपना दिमाग में बैठा लेता है। यही बोल देंगे भीत में तक इस तरह देंगे तो इस तरह खिलेगा दिखेगा। अच्छा दीदी ये बताइए कि जब आप बना रही हैं और ये भी देख रहे हैं कि अब इसमें
लोग आना भी थोड़ा कम कर दिया है, या आप जो नया पीढ़ी जो बाल बच्चे हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो इसको फिर आगे कैसे आप लोग बढ़ा रहे हो? नाती पोता बढ़ते ना, अब छोटी छोटी बच्चा है, उन लोग उनको पीछे पीछे देख के बोल कर रहा है, तो उन लोग तो लिखेगा, लिख पे करेगा ना, तो ऐसे सीखते सीखते सीखेगा। अब दादी करता है, उसके बाद में हम करता है, हमारा वाला पोती करता है, ये सब लोग करता है। अच्छा, तो ये करते हुए आप कह रहे हैं 40 साल हो गया, आप अगली पीढ़ी को भी आप लोग सिखा रहे हैं, इनका करते हुए आप भी बचपन से कर रही हैं? हाँ, मायके में करो ले ना, मायके में करती नहीं, बचपन से कर रही हैं। तो इसको जो आप लोग करते हैं तो रंग जो है वो कैसे, आप लोग जो अभी जो आता है डब्बा वाला वो, या फिर कौन सा क्या रंग का? यही भैया रंग बड़े बड़े ला देता है, काला मिट्टी, लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी और गोंद, उसमें मिला के और बरस से बना हुई। जब दीवार में पेंटिंग कर रहे हैं तो जो रंग है वो कहाँ से मैंने खरीद के लाते हैं कि अपना? हम लोग का दूर में होता है मिट्टी, वो लाने जाते हैं, दो लाने दो दिन तेरे मिट्टी हम लोग का घर में, अरे एक लाल वाला मिट्टी दी 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 दी, अरे मिट्टी जैसे दो मिट्टी हम लोग का अपने हैं, व्हाइट वाला हम लोग के है, अरे काला हम लोग का, लाल वाला दी दी दी। अच्छा, आप लोग का ये तो सोहराई है ना, इसमें सबसे खास आप लोग क्या है, क्या आप लोग को खास बनाता है सोहराई पेंटिंग में? क्या है कि बनाता, हम दीपावली मनाते हैं हम लोग खूब अति बढ़िया से अपना, अति जैसे लक्ष्मी पूजा जैसे होता है, बल गाय चुमाएंगे तो उसको पर्व त्योहार है, तो बल माती करके नहीं करेंगे तो कैसे ठीक होगा, झाट पोत के मट्टी उट्टी दे के उसको, डबल त्योहार मानते हैं यही वाला दीपावाली, दीपावाली दुर्गा पूजा तो खाने पीने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा त्योहार है दीपावली, दीपावली है। ये कला पूर्णतः परंपरागत कला है और इस कला के निर्माण में मिट्टी की दीवारों पर मिट्टी के कई रंगों का प्रयोग कर वहां पर चित्रकारी की जाती है। मुख्यतः इस कलाकारी में चार रंगों का ही मिश्रण होता है जो आसानी से गांव में ही उपलब्ध होते हैं। ये बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन माँ से सीखे हैं। और क्या क्या बना लेते हो सोहराई में, मुख्य रूप से क्या बनता है, किस चीज को लेके तुम पेंटिंग करते हो, कुछ दिमाग में डिजाइन रहता होगा? हाँ, डिजाइन बनाते हैं, मम्मी सब बनाती थी पहले, तो दिमाग में कुछ आ गया, उसे को सोच के बनाते हैं। अच्छा, क्या किस तरह का डिजाइन सबसे ज़्यादा क्या होता है आप लोग की पेंटिंग में, खास बात क्या होती है? बनाते हुए कभी बाहर भी गए हो, बाहर भी जाके बनाए हो? हाँ, रांची में, बस रांची में बनाए, रांची में बनाए हो। हाँ, क्या कुछ उसमें किस तरह का रंग होता था, जो गाँव में रंग यूज करते हैं वो, या फिर कुछ और? गाँव में बनता है वही, गाँव में बनाते हैं वही बनाते हैं, वही बनाते हैं। और अब की जो सहेली है, हम उम्र है, वो लोग भी करती है पेंटिंग? हाँ, मम्मी लोग भी। तो रंग किस तरह से, तुम लोग मिट्टी वगैरह कहाँ से लाते हो, कैसे करते हो? जंगल तरफ से लाते हैं, जंगल तरफ से लाल मिट्टी जस्टिन भैया ला देते हैं, और काला और दूधी मिट्टी जंगल तरफ से लाते हैं, उसके बाद सोहराई में पेंटिंग करते हैं। और कितना समय लग जाता है, मान लीजिए कि अगर इतना बड़ा हम अगर बना रहे हैं तो कितना समय आप लोगों को लग जाता है इसको बनाने, और क्या तीन दिन लग जाता है, ये करो वहाँ से यहाँ पर, आठ दिन बोलिए ना, दो तीन ही फूल बनाने ना, और मिट्टी उट्टी देने और डाटन उपले से तैयारी, जैसे पेंटिंग करते हैं बच्चे में, बच्चा में जब पेंटिंग करते थे तो पेपर को बढ़िया से उसमें एक कलर चढ़ा के फिर दूसरा करते थे, जब ये आप लोग बनाते हैं तो इसके लिए भी कुछ तैयारी करते हैं? 15 दिन वो टाइम बीत जाता है, क्या क्या करते हैं इसमें? लाल मिट्टी पहले अति करते हैं, उसके बाद लाल मिट्टी से गोबर देते हैं, गोबर के बाद काला माटी देते हैं, उसके बाद व्हाइट काला माटी देने के बाद ये सब फूल वाला व्हाइट व्हाइट कहीं कहीं बीच में देते हैं, उसके बाद भरते हैं, इस तरह करते हैं। इस कला को विस्तार देने के लिए काम कर रहे जस्टिन इमाम बताते हैं कि इस कला से कई जनजातियों के लोग जुड़े हैं, जिसमे मुंडा, उरांव और कुर्मी जाति प्रमुख हैं, लेकिन धीरे धीरे ये कला उनसे भी दूर होती चली गई और इस कला को जीवित रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोहराई कला जो है ये प्रमुखता आपकी खेती के लेकर के, इसको हम लोग एक खेती से जुड़ा कला मानते हैं, जिसका दिवाली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा के नाम से भी बहुत गांवों में बनती है, और चूंकि साल भर से मट्टी के दीवार बहुत फफड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, तो महिला लोग को वो घर को फिर से एक वार्षिक स्वरूप देने के लिए, उसको पुख्ता करने के लिए दीवारों को उन लोग मजबूत करते हैं,
और उसको मजबूती देने के क्रम में उन लोग गांव को, गांव के घरों के दीवारों को सजाते हैं, क्योंकि धनकट्टी होने वाली है और सोहराई पूजा में आपका गाय का बहुत प्रमुख भूमिका रहता है। इसीलिए हल हल और खेती से जुड़े हुए जितने भी सामग्री होते हैं, जुआट हुआ, बैलगाड़ी हुआ, कुदाल, कुल्हाड़ी, ये सारे चीज़ की पूजा होती है और साथ में गाय की लक्ष्मी पूजा होती है। तो ये हजारीबाग जिला में सोहराई जो है सारे जातियों के बीच में बनता है। संथाल लोग जनवरी में सोहराई बनाते हैं मकर संक्रांति के समय में, जब वो लोग अपने घरों को साफ सुथरा करके फिर से रंगते हैं। तो ये रंगाई की जो प्रक्रिया है सोहराई की, जिसको हम लोग बोलते हैं सोहराई कला, ये आपके मुंडा जहाँ हम लोग अभी इसको में है, मुंडा गाँव में भी बनती है, उरांव गाँव में भी बनती है, संथाल गाँव में भी बनती है, गांजू, कुर्मी, प्रजापति और हजारीबाग के करीब इस तरह से 8-10-12 गांव हैं जहां छूट पुट, क्योंकि गांव के घरों में अब मट्टी के घर भी अब बहुत कम मिल रहे हैं, क्योंकि सीमेंट के घरों के तरफ अभी प्रचलन बढ़ रहा है। तो मट्टी के घरों में जहां जहां है, तो हो सकता है कि किसी गांव में 10, किसी गांव में 25, किसी गांव में 40, वहां महिला लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपने घरों के दीवारों को सजाती है, और उसके सजावट के क्रम में जो गांव के आसपास मिट्टी मिलता है, जैसे काली मिट्टी होती है, आपकी दूधी मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, उससे उन लोग घर के दीवारों को परंपरागत सजाते आ रहे थे। ये कला को हम लोग 1991 के आसपास में जब पाए थे, तो महिला लोग स्वयं अपने स्वेच्छा से गांव में करती थी, लेकिन अभी ये प्रचलन करीब सन 2000 के आसपास से बहुत कम हो गया था। कुछ ही महिला लोग जो प्रतिभाशाली थी वो लोग गांव को रंगती थी, लेकिन 2014-15 के आसपास से जब हम लोग गांव में लाल मिट्टी बांटने का प्रक्रिया शुरू किए, तब उनकी प्रतिभा में थोड़ा सा एक उमंग आया कि चलो अब हम लोग के पास में लाल मिट्टी भी है और हम लोग गाँव को और सुंदर से रंग सकते हैं। इस तरह से हमारे घरों के दीवारों को बस केवल पोख्ता ना करके उसको सुशोभित भी किया जा रहा है और सोहराई कला बिखेरा जा रहा है। आज इस कला से युवा पीढ़ी को जोड़ने का भी काम किया जा रहा है। इस कला को विस्तार देने के लिए आज जरूरी है कि इसे गांव घर की मिट्टी के दीवारों सहित कागज और कपड़े पर उकेरा जाए, ताकि इस कला को एक राष्ट्रीय बाजार मिल पाए। हम लोगों की संस्कृति या धरोहर है और न्यू नया पीढ़ी के लिए हम लोग चाहेंगे कि जो परंपरागत जो कलाकार लोग हैं, तो इन लोगों से वो लोग भी कुछ सीखे। तो इसके लिए है कि उन लोगों को ट्रेन करने के लिए तो फिर हम लोग कागज का इस्तेमाल करेंगे। और अभी एक जो धीरे धीरे रिकॉग्निशन की बात हो रही है कि उनको एक पहचान मिले, लोग बाहर से आ रहे हैं देख रहे हैं, तो क्या कुछ पॉजिटिव चेंज इनके एटीट्यूड में आ रहा है महिलाओं के? अवश्य आ रहा है, निश्चित तौर पे आ रहा है। इन लोगों में, इन लोगों को सम्मान मिल रहा है, क्योंकि एक कलाकार जो होता है वो सम्मान का भुगतान होता है। तो महिला, क्योंकि ये महिला शक्तिकरण का कार्य है, तो महिला लोग इससे जरूर सम्मानित हो रही हैं। कई संस्थाओं के माध्यम से आज ये कला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में कामयाब हुई है। देश विदेश से लोग इनकी कलाओं को देखने यहाँ आते हैं। कला से जुड़ी महिलाओं को अब अपनी इस कला पर नाज होता है, उनमें एक आत्मविश्वास का भाव भी जगा है। कई स्थानों पर जाकर इन कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका भी मिला है। 40 साल हो गए इनको इस काम को करते हुए, और अभी इनके साथ में आप इनके बाद की भी पीढ़ी को आप देख सकते हैं कि इनका भी अपना उत्साह है, ये भी चाहते हैं इस कला को सीखना और आगे बढ़ाना। और हमारा भी प्रयास है कि झारखंड की जो ये अपनी संस्कृति है, अपनी चित्रकला की जो एक कला है, इसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। और इसी प्रयास के तहत अभी हम और आगे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इस कला ने जो कलाकार हैं उनको क्या स्थान दिया है। सोहराई कला को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी प्रयासरत है। गांव की इस कला को अब शहर की दीवारों पर भी उकेरा जाने लगा है। ऐसा है कि जब ये अक्टूबर के नवंबर के महीनों में जब गांव में, हजारीबाग जिला के गांव में दीवारों को फिर से पुख्ता किया जाता है, तो उसमें पुतौ लोग का बहुत मुख्य भूमिका रहता है, क्योंकि सास तो बोल देती है कि ये दीवार हमारा है, इतना बड़ा घर है 10-15 कमरों का, इसको ठीक करना है। तो मिट्टी लाना, खेत से काट करके उस मिट्टी के घर के सीढ़ी चढ़ के ऊपर से लेके नीचे, फिर फर्श या ज़मीन,
सारा को पोख्ता करने के लिए गोबर के साथ, पुआर के साथ जो मिलाया हुआ मिश्रण होता है उसको उन लोग जो करते हैं, तो उसमें पुतौलों का बहुत मुख्य भूमिका रहता है। और जब दीवार तैयार हो जाता है तो हो सकता है सास उस दीवार को बनाती है और उसकी बहू है जो पुतौ वो उसको रंग के साथ में भरती है, क्योंकि वो बड़ा घर है तो उसको एक दिन में तो नहीं कर सकते हैं, तो 3-4-5 दिन में करना है और 2-3 घंटा देना है। तो वो पुतौ लोग जब कर रहे हैं तो उनकी बच्चियाँ अगर हैं तो वो लोग भी रंग लाना, रंग देना, रंग के साथ में कभी कभी खेलना, इस तरह की प्रक्रिया जो उस कला के साथ जुड़ी हुई है उसमें रहते, तो वो लोग सीख रहे। तो ये बच्चों में ये प्रतिभा अभी आ गया है कि देखो हमारा गांव में अगर घर के दीवार रंगे रहते हैं तो बाहर से विदेश से मेहमान आते हैं और वो लोग इतना रुचि से हमारे घर के हर एक कोने का, चूल्हे से लेकर के सब कोने का फ़ोटो खींचते हैं और इतना रुचि दिखाते हैं। तो कुछ तो है कि हमारा उतना फ़ोटो नहीं लिया जा रहा, हमारे घर के उखेरे दीवार में जो पेंटिंग उसका लिया जा रहा है। तो ये बच्चों में एक जिज्ञासा ज़रूर बना रहता है कि ये कुछ इसमें बात है, पढ़ाई पुस्तक करते हैं लेकिन हमारा घर के दीवार में अगर कुछ बन रहा है और उसको देखने के लिए बाहर से मेहमान आ रहे हैं तो उसमें कोई ज़रूर बात है। तो ये कला उस महिला की प्रतिष्ठा के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए और जो कहते हैं सेल्फ एस्टीम और उनका सोशल स्टेटस के लिए भी बहुत प्रमुख है कि वो अपने को एक कलाकार के रूप में उभरा पाती हैं और बाकी महिलाओं से वो भिन्न हो जाती हैं। और साथ में ही उनकी पुतौ अगर वो कर रही है तो वो पुतौ में भी एक गुण आ गया है बोल करके वो उस गांव में उस रूप से जानी जाती है कि एक कलाकार है। सरकारी प्रोत्साहन और सरकार के सहयोग से लुप्त होती इस कला को एक नया आयाम मिल रहा है। मिट्टी की दीवारों से निकलकर आज ये कला देश विदेश में भी अपनी परचम लहरा रहा है। आज बस जरूरत है कि हम और आप इस कला को संजोने और उसे विस्तार देने में अपना सहयोग दें, ताकि झारखंड की कलाएं और उसकी संस्कृति संरक्षित हो पाएं।